नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। राशन भ्रष्टाचार में सिर्फ पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल, ईडी ने बैंक शाल अदालत में पेश कर किया सनसनीखेज दावा। ज्योति प्रिया मल्लिक और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते भी कर लिए गए जब्त। आज को जागरी लक्ष्मी पूजा, शहर के विभिन्न घरों में लोग धन की देवी की पूजा करने में दिखे व्यस्त। सिलीगुड़ी के 8 नंबर वार्ड अंतर्गत खालपाड़ा संलग्न इलाके में एक दवा की दुकान में आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, दुकान का सारा सामान जलकर खाक। त्रिकोण प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की हत्या कर शव दफनाने का मामला माताभांगा 2 नंबर ब्लॉक के घोकसा टांगा थाना क्षेत्र से आई सामने। भारी संख्या में पुलिस बल और डिप्टी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में युवक का शव किया गया बरामद। उत्तरकनिया मोड़ इलाके में 2 मालवाहक वाहनों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजगंज के बिहारू हाट स्थित एक फैक्ट्री से एक श्रमिक का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। आखिरकार अलीपुर द्वार के कालचीनी ब्लॉक के रायमाटांग चाय बागान के श्रमिकों को मिला बकाया वेतन, श्रमिकों ने कहा जब तक बागान नहीं खुलता आंदोलन जारी रहेगा। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी नेताओं ने कालचीनी ब्लॉक के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी इकट्ठा कर कोलकाता के लिए हुए रवाना। फालाकटा सुभाष पल्ले यूनिट की 54वीं श्यामा पूजा की खूटी पूजा संपन्न। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।